नमस्कार, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। और मैं आज आप लोगों के ओ लेवल सर्टिफिकेट की बात करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का थंबनेल लगा हुआ है, प्रोजेक्ट की बात तो है ही है, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ साथ सर्टिफिकेट की भी बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 4 पेपर तो पास कर चुके होगे, अगर नहीं किए हो तो 2 तो पास ही कर चुके होगे यार, तभी इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, 2 अगर आप पास कर चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, और नहीं पास किए हो, अटेम्प्ट किए हो तो भी देख लो यार, क्योंकि आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। जितने क्वेश्चंस आपको थंबनेल पे दिखे थे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताऊंगा, एक बात ध्यान समझ लो, मजा आ जाएगा, बस आप आखिर तक देखते रहो बस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं आपको कि जब आप ओ लेवल पास कर लेते हैं, पेपर ओ लेवल नहीं पेपर, जब आप पेपर चारों पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल पास कर लेते हैं, तो एक तो की बारी आती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट। क्या है? प्रोजेक्ट। अब ये समस्या को परेशान करके रख दिया है, इसी समस्या का समाधान इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा मिलने वाला है। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ओ लेवल का बात आज जान लो आप, कि आपका जो ओ लेवल होता है, इस ओ लेवल में जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट का, ठीक है, उनका जो है प्रोजेक्ट जमा होता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन देखो, ये जान लो, चाहे आप डायरेक्ट हो और चाहे आप इंस्टीट्यूट से हो, आपका प्रोजेक्ट जमा करना ही पड़ेगा। एक बात जान लो, बिना प्रोजेक्ट के कल्याण नहीं होने वाला। बात समझ में आई? बिना प्रोजेक्ट के कल्याण नहीं होने वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सलूशन मिल गया, सबको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट कैंडिडेट हमसे भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन, प्रोफार्मा कैसे फील करते हैं? अब चलो देख लो प्रोफार्मा कैसे फील करते हैं। देखो भैया, यहां पे जो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, यहां का जो प्रोफार्मा होगा आपका, अगर उस प्रोफार्मे की बात करें हम लोग, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम लोग प्रोफार्मा की बात करें, तो प्रोफार्मा में आपका 2-3 चीजें भरनी होती हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीजें भरनी है आपको। सबसे पहले आपको भरना है क्या? प्रोजेक्ट टाइटल, किस टाइटल पे प्रोजेक्ट आपने बनाया है। उसके बाद अपना मोहतरमा नाम डाल दीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, जैसे हमारा नाम तो जानते ही हो, डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, बस 3 चीज आपको फिल करना है, और उसके बाद सिग्नेचर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, नेम ऑफ गाइडर, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन। और इसके बाद इसका मैं बता रहा हूं इसमें क्या होता है, उससे पहले आपको 100 रुपया की DD बनवानी पड़ेगी बैंक से, उसका डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस 100 रुपये की डिटेल्स जो है कहां से बनवानी है, किस एड्रेस पे DD बनवानी है, सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उससे पहले मैं बताऊं आपको, जब आपकी DD बन जाएगी तो आपका पेमेंट डेट इसमें आएगा, कौन से डेट में आपने DD को बनवाया है, दूसरा आपका UTR नंबर, और तीसरा अकाउंट होल्डर नंबर। अकाउंट होल्डर नंबर, UTR नंबर, ये तीनों चीज आप लोग फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एक गाइडर की जरूरत पड़ती है, जो या तो MCA क्वालिफाइड हो और या तो MTech हो। क्या? या तो MCA हो या तो MTech हो। अब उसका डिटेल्स इसमें फिल करके, उसका सर्टिफिकेट लगा करके आप सेंड कर दो, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमको थोड़ा बता दीजिए कितने पेज का बनता है। भाई प्रोजेक्ट कोई गिना हुआ पेज का नहीं बनता, आप जितने पेज का बनाना चाहो उतने पेज का आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पेज का भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। बस ये है कि आपका जो डिटेल्स है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फाइल थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए। अब कहते हैं सर कि हार्ड कॉपी होगा या सॉफ्ट कॉपी होगा, एक बात जान लो आप, हार्ड कॉपी दो या सॉफ्ट कॉपी दो, जो आपका गाइडर होगा या फिर जो इंस्टीट्यूट वाला होगा वो आपको न सॉफ्ट कॉपी भेजता है न हार्ड कॉपी भेजता है।
वो सिर्फ प्रोफार्मा के साथ डिटेल भेजता है, तो वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस रूप में प्रोजेक्ट लेना चाहता है। ये काली सच्चाई है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, जो मैं बता दे रहा हूं आज वीडियो में, ठीक है। तो हार्डवेयर हार्ड कॉपी में दे या फिर सॉफ्ट कॉपी में दे, ठीक है, हार्ड कॉपी में दे या फिर सॉफ्ट कॉपी में दे, दोनों में आपका जो है किसी पे भी आप जो है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पे देना चाहते हो। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट के लिए गाइड किसको करें? मैं बता दिया हूं, प्रोजेक्ट के लिए गाइड आपको करने के लिए या तो एमसीए क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए या फिर एमटेक क्वालिफाइड होना चाहिए। जान लो, इनका सर्टिफिकेट, इनका रिज्यूम, साथ में ही प्रोफार्मा का फिल और इनका सिग्नेचर लगा करके आपको नाइलेट को भेज देना है। बात समझ में आई। कहां सबमिट करें? अब आपको नाइलेट की एड्रेस उसके वेबसाइट पे दी हुई है, उसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है दिल्ली, ठीक है। अब सेंड कर दीजिए। अगर आपको समस्या महसूस होती है तो हमारा ओ लेवल का जंक्शन है, ये तो आपको पता ही, इस चैनल का नाम है ओ लेवल, तो ओ लेवल का जंक्शन है हमारे यहाँ, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या का समाधान विद इन मिनट हम लोग निकालते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, वहां से आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर आपको समस्या आ रही है तो हम आपके प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, ये समझ लीजिए। आपको टेंशन फ्री घर बैठे हुए प्रोजेक्ट सबमिट करवाइए। आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग कल अपने टाइम से लेटेस्ट न्यूज के साथ मिलेंगे। सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।